सिल्वन भारत देख रहे हैं आप, मैं उचिशन आपके साथ। और शुरुआत करेंगे सबसे पहले लोअर बाजार थाना क्षेत्र की कांटा टोली बस स्टैंड स्थित एक होटल में एक युवक की हत्या कर दी गई है। शनिवार को होटल के कमरे से नासिर नाम के युवक का शव बरामद किया गया है। युवक की गमछे से गला दबाकर हत्या की गई है। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है और मामले की छानबीन में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक नासिर के दो दोस्त बस स्टैंड स्थित होटल में ठहरे हुए थे, जिनसे वो मिलने के लिए होटल गया हुआ था। बिहार के रहने वाले दो युवक जो नासिर के दोस्त बताए जा रहे हैं, वहीं होटल में ठहरे हुए थे, उन्हीं से मिलने के लिए नासिर वहां पहुंचा था। पुलिस को आशंका है कि नासिर की हत्या उसी के दोस्तों ने की है। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों आरोपियों की तलाश की जा रही है। वहीं घटना के बाद मृतक के परिजनों में खासा आक्रोश है, गुस्सा है। परिजनों ने रांची टाटा रोड को जाम कर दिया है। आरोपी तो युवक जो है वो बिहार के रहने वाले हैं। होटल से सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है और आशंका जाहिर की गई है पुलिस की तरफ से कि जो दोस्त है नासिर के जो होटल में ठहरे हुए थे, उन्होंने ही नासिर की हत्या कर दी है। गुस्साए परिजनों ने रांची टाटा रोड को जाम कर दिया है। इसके साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि सनसनी फैल गई है युवक की हत्या से। कुछ तस्वीरें हम तक पहुंची है जो सीसीटीवी फुटेज है, जिसके जरिए आप देख सकते हैं कि युवक होटल में जाता हुआ और दो लोग जो होटल में ठहरे थे उनसे मिलने के लिए युवक गया था। नासिर नाम बताया जा रहा है युवक का। बगैर देखिए ये तस्वीरें हम तक आ गई है। ये परिजनों ने आक्रोश व्यक्त किया है, टायर को जलाए हैं, विरोध प्रदर्शन किया है। काफी संख्या में लोगों की भीड़ भी देख सकते हैं आप, जो जमा हो गई है सड़कों पर। और ये हम तक जो तस्वीरें पहुंची है, ये दो लड़के देखे जा सकते हैं सीसीटीवी फुटेज में। और ये एक जो लड़का जा रहा है ये शायद नासिर है, जो होटल जा रहा है अपने दोस्तों से मिलने के लिए, और उसके बाद फिर नासिर की हत्या हो गई। पुलिस ने आशंका जाहिर की कि दोनों युवक जो होटल में ठहरे हुए थे, उन्होंने ही नासिर की हत्या की है। गला दबाकर, गला घोटकर नासिर की हत्या की गई है। दोनों युवकों की तलाश में पुलिस फिलहाल जुट गई है। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि फिलहाल जो परिजन हैं वो काफ़ी आक्रोशित है और विरोध किया है परिजनों ने। दोनों युवकों की तस्वीर साफ साफ देखी जा सकती है, पहचान में दोनों आते हुए दिख रहे हैं सीसीटीवी फुटेज के जरिए। और ये नासिर जो इन दोनों से मिलने के लिए जाता हुआ, इस फुटेज में नासिर को भी आप देख सकते हैं। परिजनों ने रांची टाटा रोड को जाम कर दिया है। गुस्साए परिजनों ने, आपको जानकारी देना चाहेंगे, दोनों आरोपियों की तलाश फिलहाल जारी है। पुलिस को आशंका है कि नासिर की हत्या उसी के दोस्तों ने की है। और सीधा रुख करेंगे अपने के पास, एक होटल है, उसमें एक शव बरामद हुआ था। उसमें प्रथम दृष्टया जो अभी तक हम लोगों द्वारा कार्रवाई की गई है, उसमें जो यह बात निकल के आई है कि संभवतः जो है हत्या का मामला जो है यह सामने आ रहा है। कुछ लोगों की संलिप्तता की बात इसमें आई है, हम लोगों के पास कुछ साक्ष्य भी इसमें उपलब्ध हुए हैं। उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर हम लोग अभी आगे कार्रवाई कर रहे हैं। उम्मीद है कि जल्दी हम लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे। अभी पोस्टमार्टम और अन्य अग्रिम कार्रवाई जो है वो की जा रही है। एक बार पोस्टमार्टम होने के बाद हम लोग पूरे मृत्यु के कारणों का जो है खुलासा करके आगे कर कार्रवाई। देखिए लोअर इमरान, क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि कई गंभीर आरोप होटल संचालक पर भी लगे हैं कि ये जो दो युवक बिहार से आए थे, बिना पहचान पत्र दिए ही होटल में ठहरे थे, इन दोनों युवकों पर ही नासिर की हत्या का आरोप लग रहा है। पुलिस भी कुछ ऐसा ही कह रही, क्या कुछ अपडेट है? देखिए जिस तरह से इस पूरे मामले में हत्या की घटना को अंजाम दिया गया, उसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले पर जांच तफ्तीश में जुट गई है। उसके बाद जो परिजन है वो रांची के मौलाना आजाद कॉलोनी के पास इकट्ठा हो गए थे। तमाम लोगों ने टायर जला करके पहले सड़क जाम किया,
और सड़क जाम करने के बाद जो मृतक के परिजन हैं वो मुआवजे की मांग करने लगे, और मुआवजे के साथ साथ जो पूरे मामले में आरोपी हैं उन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया उसके बाद दो थाने की पुलिस यहाँ पे मौजूद थी, नामकुम थाना प्रभारी सुनील कुमार और संजय जो कि लोअरबया थाना प्रभारी है, दोनों यहाँ पे पहुंचे, मृतक के परिजनों से बातचीत की और उचित मुआवजा देने के जहाँ आश्वासन दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो अपराधी हैं उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो सके उसके बारे में भी जानकारी दी गई कि किस तरह से किया जाए। लेकिन जो मृतक के महिला जो घर के जो महिला है या उनके बहन है माँ है उनको संतुष्टि के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है कि वो समझ जाए कि किसी तरह से जाम को यहाँ से हटा लिया जाए। हालांकि सभी एक सड़क को छोड़ करके दूसरी सड़क तभी सभी लोग खड़े हो गए हैं, लेकिन अभी भी जो लोग हैं वो लिखित में आश्वासन मांग रहे हैं कि जो पुलिस प्रशासन के जो दावे किए जा रहे हैं कि अपराधियों को जल्द गिरफ्तारी किया जाएगा, मुआवजे दिलाई जाएगी, वो किस तरह का रहेगा और क्या रहेगा, इसी आधार पर लोगों ने सड़क जाम किया था। और अब जाकर के मृतक के परिजनों से लगातार ये बातचीत भी की जा रही है। दूसरी तरफ अगर हम कहें तो जो ट्रैफिक है, अगर आप मेरे सामने देखेंगे कि जो गाड़ियों का परिचालन है वो लगातार शुरू भी हो गया है, तो एक तरफ स्थानीय लोगों ने सहयोग किया है पुलिस प्रशासन को कि वो लोगों को ज्यादा कठिनाइयां ना दे करके अपनी बातों को भी रख रहे हैं, वहीं जो ट्रैफिक है वो भी सुचारू रूप से चलना शुरू हो गया है। लेकिन इस पूरी घटना के बाद से स्थानीय परिवार के जो लोग हैं वो मरमाहत इस पूरी घटना के बाद से कि जो आरोपी है इस घटना में शामिल उनकी गिरफ्तारी जल्द होनी चाहिए, क्योंकि पूरे मामले की जानकारी जब पुलिस को मिली पुलिस भी मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में ले रखा है, पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया है, पोस्टमार्टम के बाद जैसे ही परिजनों को शव मिला लोग सड़क पर आ गए और कार्रवाई की मांग करने लगे। अब सीसीटीवी कैमरे के आधार पर पुलिस जो है वो चाह रही है कि उन अपराधियों तक पहुंचा जा सके जिन्होंने हत्या की घटना को अंजाम दिया और अंजाम देने के बाद सभी फरार हो गए। सवाल उठ रहा है कि क्या बाहर के ये लोग थे जिन्होंने होटल पे कमरे ले रखे थे, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए होटल में जो पहचान पत्र का इस्तेमाल किया गया है उन तमाम चीजों को लोग बारीकी से खंगाल रहे हैं। हालांकि तीन में से मात्र एक दस्तावेज जो है होटल से बरामद किया गया है, अन्य किसी के भी दस्तावेज जो है वो बरामद नहीं किए गए हैं। तो सवाल उठ रहा है कि जो पहचान पत्र दिए गए थे वो असली है या फिर वो फर्जी इस्तेमाल किया गया है। साथ ही इस पूरे घटना के बाद सीसीटीवी सहित कई टेक्निकल पॉइंट्स में भी जो पुलिस है वो जाँच कर रही है, लेकिन अब तक अगर हम तस्वीर देखें जो लोग थे वो मुआवजे के साथ कई तरह की मांगे कर रहे थे जिसके बाद लोग विरोध प्रदर्शन करना शुरू किए। आलम यह है कि अभी भी लोगों के जो परिजन हैं जो लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, किसी तरह से लोगों को समझा बुझा करके शांत किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि उनके जो मांगे हैं उन मांगों पर उचित कार्रवाई की जाएगी। चूंकि घटना के बाद फौरन इस पूरी जगह पर कई पुलिस पदाधिकारी पहुंचे थे, चाहे वो नामकुम थाना प्रभारी हो लोअर थाना प्रभारी हो जी, तमाम लोग यहाँ पे पहुंचे और अपनी जांच की गति जो है वो परिवारों से साझा किए कि किस तरह की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। तो अब देखना होगा जिसान इस पूरे मामले का उद्भेदन जो है लोअर बाजार थाने की पुलिस कब तक कर पाती है और जो मृतक है उन मृतक के परिजनों को क्या कुछ संतुष्टि देती है, किस तरह से विश्वास में लिया जाता है कि उनके जो मांग है जो उनके डिमांड है जो उनके परिवार के जो परिजन हैं उनके लिए राज्य पुलिस क्या कुछ, जो परिजन है वो उन दोनों युवकों की गिरफ्तारी चाहते हैं जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। नासिर नाम बताया गया जिसने जो अपने दोस्तों से मिलने गया था होटल में और इसके दौरान उसकी हत्या कर दी गई। सीसीटीवी फुटेज एक यहां पर महत्वपूर्ण सुराग पुलिस के लिए उपलब्ध करा सकते। बहुत शुक्रिया आपका इमरान तमाम जानकारी के लिए। परिजन थे जो कि विरोध जताते नजर आए और इन्होंने सड़क को जाम भी कर दिया। हालांकि स्थिति अब थोड़ी सामान्य हुई है और गाड़ियों का आवागमन भी शुरू हो चुका है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।